नमस्कार, छत्तीसगढ़ की बात हमारे साथ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ अस्मिता। आज बात करेंगे श्रेय पर घमासान। आपको बता दें कि अयोध्या के रामलला मंदिर को लेकर हो रही सियासत की आज हम बात करने वाले हैं। अयोध्या के रामलला मंदिर को लेकर राजनीतिक माहौल छत्तीसगढ़ में भी गर्म है। कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि राम मंदिर किसी पार्टी के कारण नहीं बल्कि कोर्ट के आदेश से बन रहा है। बघेल ने यह भी कहा कि भाजपा इस मुद्दे को राजनीतिकरण कर रही है, इस मुद्दे पर राजनीति कर रही है, जो कि ठीक नहीं है। उन्होंने आशंका जताई है कि अयोध्या में बन रहा एयरपोर्ट यदि निजी हाथों में जाएगा तो ठीक नहीं होगा। बघेल के बयानों पर भाजपा के प्रवक्ता नरेश गुप्ता ने कहा कि कांग्रेस पार्टी पहले श्री राम के अस्तित्व को ही नकार रही थी, इसीलिए उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट बनवाए या कोई और। नरेश गुप्ता ने अयोध्या एयरपोर्ट के प्राइवेटाइजेशन पर कहा कि सरकार वही काम करेगी जिससे कोई घाटा ना हो। रामलला मंदिर का मुद्दा छत्तीसगढ़ में राजनीतिक रूप से किसे फायदा पहुंचाएगा, आज इसी पर चर्चा करते हैं, लेकिन उसके पहले सुनेंगे कुछ प्रतिक्रियाएं। देखिए, राम मंदिर का अपोज सवाल नहीं उठता। राम मंदिर बना है सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर। आप पुराना वीडियो निकाल के देख लें जिसमें राजीव जी जब प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने कहा था कि जो न्यायालय का जो आदेश है उसे एक इंच न आगे न पीछे होगा, उसके शब्दशः लागू किया जाएगा। ये उस समय उन्होंने कहा था और आज हुआ यही। ये लोग भले चीखते चिल्लाते रहे लेकिन न्यायालय के ही आदेश से बन रहा है। ये जबरदस्ती श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी बात है, हवाई जहाज हवाई अड्डा बने कौन रोक रहा है, लेकिन बेच क्यों रहे हैं? इधर हवाई अड्डा बन रहा है, दूसरे तरफ हवाई अड्डा बेच भी रहे हो। जहां तक हवाई अड्डों का सवाल है, हवाई अड्डों का विकास लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है और उसको पीपीपी मॉडल में भी चलाने का प्रयास कर रही है कि कोई चीज नुकसान न मचले, देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर बोझ ना बने। दूसरी बात, राम मंदिर इस देश की आस्था का, रामचंद्र जी इस देश की आस्था का, इस देश के जीवन शैली का प्रतीक हैं। राम जी, आप कोर्ट की बात कर रहे हैं भूपेश जी की, राम कोर्ट ने बनाया और यही सरकार थी मनमोहन सिंह जी की जिन्होंने, कांग्रेस की सरकार ने ये कहा था कि राम का अस्तित्व ही नहीं, यही सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में थे, मनमोहन सिंह के नेतृत्व में, जिन्होंने राम के अस्तित्व को नकार दिया था। तो अब कोर्ट ने बनाया तो जिसका अस्तित्व नहीं है उसे कोर्ट बनाए या चाहे कोई भी बनाए, इस पे इनको कुछ भी बोलने का अधिकार नहीं है। तो राम मंदिर पर हो रही सियासत का छत्तीसगढ़ में क्या कुछ हमें परिणाम देखने को मिलता है और आगामी लोकसभा चुनाव में क्या कुछ परिणाम इसका देखने को मिलने वाला है, ऐसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, आपका परिचय उनसे करा देती हूँ। हमारे साथ बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं संजय पांडे जी, कांग्रेस से हमारे साथ सतनाम सिंह पनांग जी जुड़े हैं और वरिष्ठ पत्रकार अवधेश मलिक जी हमारे साथ जुड़े हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ नादी टीवी पर। सबसे पहला सवाल संजय जी आपसे करूंगी। संजय जी, जिस प्रकार से जब से राम मंदिर निर्माण का काम चल रहा है, जब से राम मंदिर को लेकर फैसला सामने आया है, राजनीति इस पूरे मामले को लेकर गरमाई हुई है। लगातार कांग्रेस की तरफ से आपकी पार्टी के लिए कहा जा रहा है कि आप यहां पर क्रेडिट ले रहे हैं, श्रेय ले रहे हैं और राम मंदिर को लेकर राजनीति यहां पर कर रहे हैं, वोट बैंक आपको दिख रहा है। देखिए, पूरा देश, भारत वर्ष जो है सनातनी देश है और इस सनातनी देश के कण कण में भगवान राम है, हर व्यक्ति के रोम रोम में भगवान राम है। भव्य राम मंदिर बनने जा रहा है, सभी तरफ उत्साह का वातावरण है, हर व्यक्ति राममय हो गया है, राम जी के मंदिर का इंतजार कर रहा है कि कब भव्य मंदिर सबको देखने को मिलेगा। और कांग्रेस जो है विघ्न संतोषी की तरह कुछ ना कुछ विघ्न पैदा करने की बात कर रही है। श्रेय लेने का प्रश्न कहां उठता है? अरे, उन लोगों को कम से कम ये नहीं बोलना चाहिए जो राम मंदिर के विरोध में 24-24 बड़े बड़े वकील पैसा देके हायर करके रखा था, इनके बड़े बड़े सांसद राज्यसभा के सदस्य सारे लोग राम मंदिर को रोकने के लिए लाइन से खड़े थे। अरे, जो इनकी परम आराध्या है सोनिया गांधी जी, वाड्रा जी, इन लोगों ने तो राम के अस्तित्व पे ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया था। राम सेतु काल्पनिक है, राम काल्पनिक है, भगवान के बारे में दुनिया भर के अपशब्द बोलने के बाद। अरे, भूपेश बघेल जी कम से कम
अपने पिताजी को राम राम के बारे में बता दें, उनके पिताजी जगह जगह जाके राम के बारे में क्या बोलते हैं, रामचंद्र जी के बारे में कितना अपशब्द बोलते हैं, जिनके मन में ही राम के प्रति विष भरा हुआ हो वो इस प्रकार की अनर्गल टिप्पणी करेगा तो इसको बहुत ज्यादा धूल देने का प्रश्न नहीं है। भगवान राम सबके आराध्य हैं, सभी सभी के आराध्य हैं। इस देश में बसने वाला, सिंधु नदी के किनारे जो बसने वाला जो भव्य भारतवर्ष है, इसके कण कण में भगवान राम विराजमान है। इसलिए श्रेय का प्रश्न नहीं उठता। भव्य राम मंदिर बन रहा है, सब लोग आके दर्शन करें, सब लोग पूजा करें, सनातन देश में भगवान राम के नाम पे सतनाम जी, कुल मिलाकर हमारे बीजेपी प्रवक्ता का कहना है कि आपकी पार्टी जो राम के अस्तित्व पर सवाल खड़े करती है और आपकी पार्टी जो लगातार जो है बीजेपी का ये आरोप है कि राम मंदिर निर्माण के कार्य में आपने अड़चने पैदा की और अभी भी उन्होंने न्योता दिया है, तो आप आपके पार्टी के कई सारे नेताओं को राम मंदिर में आने का न्योता दिया है और उसमें भी आप असमंजस की स्थिति में है कि आपके नेता वहां पर जाएंगे या नहीं, क्या जवाब देंगे? देखिए, मैं सबसे पहले तो इनको बताना चाहूंगा और आपके माध्यम से देश की जनता को बताना चाहूंगा कि राम अयोध्या में सबसे पहले ताला किस किस प्रधानमंत्री ने खुलवाया था, ये सबसे बड़ी बात है। उसके बाद चूंकि देखिए ये मामला ऐसा है कि मामला डिस्प्यूटेड हो गया था दो समुदायों के बीच में, इसके बाद एक कोर्ट में चला गया मामला। राजीव जी ने अपने भाषण में बोला था कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आएगा हम उसको सशक्तता मानेंगे और बिल्कुल मानेंगे। आज उनका आज कहना है हमारे लीडर होकर कांग्रेस पार्टी का कि ये राम मंदिर हम भी बनाना चाहते थे। ऐसा नहीं है कि राम श्री रामचंद्र जी हमारे आराध्य देव नहीं, ऐसा नहीं। क्यों कह रहे कि वो श्री रामचंद्र जी को मानते ले रहे हैं? और रही बात आपने ताला खुलवाने की बात की, तो कोर्ट ने वो ताला खुलवाया था, किसी नेता ने, किसी पार्टी के नेता ने वो ताला नहीं खुलवाया था, कोर्ट के आदेशों के बाद वो ताला खुला था। जी मैं बात तो समझिए, उस समय खुलवाने के लिए पहल उन्हीं ने की थी, उस समय कोर्ट के आदेश, कोर्ट में बाद में मामला, कोर्ट ने ताला खुला दिया तो उसका श्रेय राजीव जी ले रहे हैं। कोर्ट में मामला मंदिर राम बन रहा है और कोर्ट में मामला बाद में गया है, जब ताला खुल गया था उसके बाद में गया। आपको जानकारी तो दे रहा हूं, ताला खोलने की अनुमति किसने दी सर? बिना अनुमति के ही ताला खुल गया, देश में न्याय न्यायपालिका किस लिए बनाई गई है? फिर उसके बाद गया था मामला, उसके बाद दोनों पक्ष का न्यायपालिका मतलब बस ऐसी है। बिल्कुल, न्यायपालिका को हम भी उसका सम्मान करते हैं, न्यायपालिका का सम्मान करते आज हम उसका पूरा सम्मान करते हैं। कोर्ट के आदेश से ही मंदिर का निर्माण हुआ है, कोर्ट के आदेश से ही ताला खुला है और आगे जो भी चीजें बदलाव हमें देखने को मिलेंगे वो भी कोर्ट के आदेश से ही होंगे। इसी कारण वो श्रेय लेने का काम ना करे ना, भाजपा का कहने का मतलब ये है कि हम कर रहे हैं। अभी तो आपने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री ने ताला खुलवाया, सभी कांग्रेसियों ने चंदा दिया वहां के निर्माण के लिए, ऐसा नहीं है कि किसी ने वहां के निर्माण के लिए पैसा नहीं दिया। हर व्यक्ति ने, हमारे कांग्रेस के हर व्यक्ति ने, किसी ने 50,000, किसी ने जितनी सक्षमता उनको ही उन्होंने दिया है। तो कहने का श्री रामचंद्र जी का कोर्ट के आदेश आने के बाद हम भी चाहते थे कि कोर्ट का मंदिर बने, इसी कारण हमने भी आगे बढ़ के हर कांग्रेस व्यक्ति ने, हर कोई पार्टी नहीं देख के, कुछ नहीं देख के, किसी निश्चित नहीं देख के उन्होंने चंदा दिया। तो वो श्री रामचंद्र जी का मनाने के लिए हम भी चाहते। चंदा तक सीमित नहीं करिए आदरणीय प्रवक्ता जी, चंदा देके आपने बहुत बड़ा एहसान कर दिया होगा निश्चित रूप से, परंतु राम मंदिर के निर्माण के लिए जिस प्रकार की बाधा आपने लगातार डाली आजादी के बाद से, यही बाधा आप सोमनाथ मंदिर में भी डाल रहे थे, लेकिन वहां पे वल्लभ भाई पटेल जी थे, उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि सोमनाथ जो मंदिर बनेगा बनेगा, कोई दो समुदाय के बीच में मामला नहीं था, समुदाय के बीच में आप इसको लेके गए, इसकी राजनीतिकरण किया। ठीक है सतनाम जी, संजय जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अवधेश जी जुड़े हैं, उनसे समझना चाहूंगी मैं। ठीक है, सुन लेंगे अवधेश जी। जिस प्रकार से आपने दोनों ही प्रवक्ताओं को सुना, मुझे ऐसा लगता है कि राम भगवान जो है राजनीति का मुद्दा ज्यादा बन गया है। क्या लगता है आपको, जिस प्रकार से राम मंदिर को लेकर राजनीति हो रही है, आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि आने वाले समय में लोकसभा है और क्योंकि हमने देखा विधानसभा चुनाव के पहले भी कांग्रेस जो है काफी एक्टिव नजर आई राम मंदिर को, राम को लेकर, भगवान श्री राम को लेकर कई सारे मंदिर बनाए गए और रामलीला का भी आयोजन किया गया, तो ऐसे में आपको क्या लगता है? ये सवाल मेरे से है, मुझसे जी अवधेश जी। अवधेश जी देखिए, राम मंदिर का जो विवाद है उस पर कई हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है सबके सामने है,
जिसके आधार पर फाइनली जब चीजें सुलट नहीं रही थी तब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो फाइनली एक लंबा इंतजार किया गया, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था। और वो जो उस आदेश को जो पक्षकार थे जो जो अगेंस्ट में लड़ रहे थे वो सबने उनको मान्य किया था। अब ये बात ये आ रही है कि उसको इनिशिएट किसने किया था। तो आजादी के बाद में डेफिनेटली उसमें राजीव गांधी का एक रोल रहा है। इसके बाद फिर जो है बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ और बीजेपी फ्रंट में आई उसको लेकर, उसमें कई सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने शहादत दी बाबरी मस्जिद में, तो क्रेडिट की बात की जाए तो उनको भी दिया जाना चाहिए और जिनके कारण वो मारे गए उसका भी क्रेडिट लोगों को लेना चाहिए। वो तो फिलहाल कोई लेता नहीं है, कोई पार्टी लेती नहीं, लेकिन यहाँ पर जो सवाल उठ रहा है वो ये हो रहा है कि अब वो एक जो है इंटरनेशनली टूरिस्ट सेंटर बन मतलब बन के उभर रहा है और राम मंदिर की जो है सो एक मतलब एक यूनिवर्सल वैल्यू है। तो कोई भी पार्टी उस चीज को जो मंदिर बना है उसका अगर श्रेय लेती है तो जनमानस में उसके प्रति जो है सिंपैथी की लहर जाती है। अब इसमें ये देखने को मिला है कि ये जो डिसीजन आया है वो बीजेपी गवर्नमेंट के समय में आया है डिसीजन। तो हमेशा ये होते रहा है कि पार्टियां वो उस हिसाब से क्रेडिट लेने की कोशिश करती तो कोशिश किया जाता। अब तो ये कांग्रेस पर डिपेंड करता है कितना वो उसका काउंटर कर पाती है और सवाल उनसे भी पूछे जा रहे हैं कि आपके समय में क्यों नहीं बन पाया या जो भी है। लेकिन कोर्ट का जो अपना डिसीजन था एक दायरा था और उसमें जो है सो वो पांच सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों का भी काफी सराहना किया जाना चाहिए जिन्होंने फाइनली, क्योंकि ये देखिए एविडेंशियल एस्पेक्ट जो है उसमें जो क्रूड एस्पेक्ट जो उसमें गया था जो उसमें आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का एक रोल रहा है उसमें, और जो फिर उसके बाद जो है सो हाई कोर्ट ने उस पर उसमें जो एक डिसीजन दिया तो वो एक हिस्टोरिकल जजमेंट था। तो कुछ मायने ऐसा है कि जिस जो जो आप मान्यता है आपको उसको आप कंटिन्यूसली प्रूफ नहीं कर सकते हैं किसी भी ग्राउंड, नहीं तो वर्ल्ड के जितने भी रिलीजन है वो सारे के सारे रिलीजन पे प्रश्न चिन्ह लग जाते हैं। एक तो आस्था का सवाल है तो राम वहां पर आस्था से है। क्रेडिट लेने की बात जो है वो एक मतलब ये पॉलिटिक्स है उसमें जो क्रेडिट लेने जा रहा है या जो वो कहता है कि क्रेडिट नहीं लिया जा रहा, लेकिन ये वास्तव में एक धार्मिक आस्था का सवाल है और जितने भी पार्टियां हैं सबको साधुवाद जाना चाहिए बजाते वहां पर एक एक विवाद खड़ा करने का ये कोशिश किया जाना चाहिए कि आपका जो है वो टूरिस्ट हब या वहां पर जो यात्रियों के लिए जो सुविधाएं हैं वो किस प्रकार से लोगों तक पहुंचे। क्योंकि आप देखते होंगे कि मंदिरों में ऐसा होता है कि जब व्यक्ति आस्था से एकदम सारगर्भित होकर मंदिरों में पहुंचता है तो वहां पर उसे लूट खसोट जैसी कहानी चालू हो जाती है, कोई कोई जो अलग से जो है सो दर्शन के नाम पे कोई, तो इस टाइप की चीजें मेरे ख्याल से अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उसको स्ट्रीमलाइन कर दिया जाए और उसमें ऐसा हो कि सर्व सुलभ हो जाए रामलला का दर्शन तो अपने आप में काफी हिस्टोरिक हो गया, उसके बाद बीजेपी को श्रेय लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी ये अगर इतना कर पाए। जी बिल्कुल बिल्कुल अवधेश जी, मंदिर एक बनने वाला है, राम को मानने वाले सब एक है और उस मंदिर में जो भी जाएगा वो भी एक ही रहेगा, वो ये देख कर नहीं जाएगा कि हम इस पार्टी से हम इस पार्टी को सपोर्ट करते हैं हम उस पार्टी को सपोर्ट करते हैं। संजय जी यहाँ पर कांग्रेसियों का ये भी कहना है कि अभी तक मंदिर का निर्माण पूरा नहीं हुआ है, अभी तक कई सारे काम ऐसे हैं जो होने हैं और समय बहुत कम है, उसके पहले आप जो है मंदिर का उद्घाटन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ये कह रही है कि आने वाले समय में आपको चुनाव में इसका फायदा मिले इसलिए आप ये सही चीजें कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए किसी समय भारतीय जनता पार्टी का नारा था सौगंध राम की खाते हैं हम मंदिर वहीं बनाएंगे, तो हमारे विरोधी कहते थे हम तारीख कभी नहीं बताएंगे। अब देखिए भव्य राम मंदिर सामने आ गया, बन के आ गया है, सब लोग लगातार उसको देख रहे हैं, फेसबुक में शेयर होता है, सारे सोशल मीडिया में होता है, आप लोग दिखाते हैं कि किस द्रुत गति से राम मंदिर बनाया जा रहा है। और राम मंदिर ही नहीं विश्व का सबसे सुंदर मंदिर बनाने का जो प्रयास है उसमें सभी लोग परिभूत दिख रहे हैं कि वो हो रहा है, सबके सामने ये सपना सब जो है साकार हो रहा है। जहां तक बात डेवलपमेंट का है इनको बहुत तकलीफ हो रही है कि इतना जल्दी कैसे हो रहा है, क्योंकि चुनाव के हर चीज को चुनाव से जोड़ देना, हर चीज को राजनीति से जोड़ देना, इसके अलावा इनको आता क्या है? अरे राम मंदिर बन रहा है, तारीख भी बताया, अब तारीख जब पास आ रही है तो जनवरी का 22 तारीख सबको इंतजार करना चाहिए, शानदार ढंग से मंदिर बन रहा है, राम लला विराजमान हो रहे हैं, सुख की घड़ी है, सुख की घड़ी में उसमें विघ्न निवसी तरह करके उसमें तरह तरह के उसमें गलतियां निकालना कमजोरी निकालना, अरे आपने जब कुछ किया ही नहीं है आप आ,
हमारे आप इसी इंडी गवर्नमेंट के जो स्टालिन हैं उन्होंने कहा सनातन क्या है, डेंगू है, मलेरिया है, इसे नष्ट कर देना चाहिए दुनिया से, सनातन को नष्ट करने। और उसका इनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी ने, खड़गे जी के पुत्र ने कहा कि सनातन अगर पढ़ेगा तो हम लोग का बहुत नुकसान होगा। इस प्रकार की विचारधारा रखने वाली जो पार्टी है या इंडी गवर्नमेंट जो इनका परिवार है इंडी INDIE, तो ये पूरी तरह से सनातन विरोधी हैं, राम जी के विरोधी हैं, राम मंदिर के विरोधी हैं। चूंकि एक बड़ा जनमानस जाग गया है, हिंदू संस्कृति, हिंदू धर्मावली जाग गए हैं, और ठीक है सतनाम जी, लगातार जनमत में ये लोग देख रहे हैं, विरोधी बातें करते हैं आपकी पार्टी के नेता, राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते हैं, और अब मंदिर में भी आप कई सारी खामियां निकाल रहे हैं, कहना है समझ में नहीं आ रही है, बोले जा रहे हैं। ठीक है, आप जवाब दीजिए, थोड़ा शांत रहिए, आप जवाब दीजिए। कुल मिलाकर यही कहना है कि आपकी पार्टी के वो नेता जो सनातन धर्म पर सवाल खड़े करते हैं, राम के अस्तित्व के बारे में सवाल पूछते हैं, और हम मंदिर को लेकर भी जो है कई कई तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। मंदिर तो बन रहा है ना, आखिरी में हमारा एम तो वही था ना कि मंदिर निर्माण हो जाए इतने सालों का। जो हमने दोबारा बताना चाह रहा हूँ कि मंदिर का हम विरोध नहीं कर रहे हैं, हमने जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया उस दिन से हमने भी पूरा सहयोग उसमें किया। यही तारीख को लेकर आपकी पार्टी के नेता बयानबाजी कर रहे हैं कि इतनी जल्दी अभी तक निर्माण पूरा नहीं हुआ और अभी से प्राण प्रतिष्ठा करा रहे हैं। नहीं तो निश्चित तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ, ये तो चुनावी स्टंट है इनका, क्योंकि वहां पर आप जाके देखिएगा कि अभी 75-80% ही काम पूरा कंप्लीट हुआ है, उसके बावजूद कि सिर्फ चुनाव की स्थिति में बीच में आचार संहिता नहीं लग जाए, उद्घाटन नहीं कर पाए, जो इन्हों का अपना श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं राम मंदिर में उसको श्रेय ना ले पाए, तो कहीं ना कहीं ये रणनीति तो है, ये वहां के गुरु महात्मा लोग ने अपने अपने बोलना भी चालू कर दिया है कि जब तक कोई निर्माण पूरा नहीं होता उसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जाती है, ये हमारे हिंदू धर्म में भी लिखा हुआ है। पर इनका ऐसा है कि चुनावी स्टंट लेना है, तो मतलब चुनावी लाभ लेना है, लोगों को दिखाना है, इसी कारण ये सब कुछ किया जा रहा है। हम पहले भी बोलते हैं, अभी बोल रहे हैं, हम राम मंदिर के निर्माण में हम सहयोग किए हैं और कांग्रेस पार्टी ने पूर्ण रूप से सहयोग किया, मुझे नहीं लगता कि कोई भी पार्टी ऐसी नहीं होगी जिसने सहयोग नहीं किया होगा, हर व्यक्ति ने सहयोग किया है। आप देखिए, बीच में मत बोलिए ना संजय जी, मैं आपके बीच में एक भी बार नहीं बोला ना, मुझे बोलने दीजिए। आप ऐसा नहीं है कि हर समुदाय के हर संप्रदाय के लोगों के द्वारा राम मंदिर के निर्माण के लिए जिस दिन कोर्ट से आदेश आया, आप एक बात बताइए, आप जिन नेताओं को अभी न्योता भेजा है बीजेपी ने राम मंदिर का जब प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होगा, तो क्या आपकी पार्टी के नेता कार्यक्रम में जाएंगे या नहीं जाएंगे, और नहीं जाएंगे तो क्या? निश्चित तौर पर अगर जिसको समय मिलेगा, जिस हिसाब से किसी का स्वास्थ्य ठीक रहेगा, सब चीज रहेगा, तो निश्चित तौर पर हमको जिसको भी मिलेगा वो नेता वहां पे जाएगा, वहां पे ऐसा कोई बात नहीं है। असमंजस की स्थिति देखी जा रही है जिस हिसाब से बयान सामने आ रहे हैं, क्योंकि आपने कहा कि हम भी खुश है, हमारी पार्टी ने भी काफी ज्यादा, ठीक है वो मान ली बात, लेकिन अब मेरा तो ये कहना है कि हमारा एम वही था कि मंदिर बन जाए, और जो कि बन भी गया, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा भी है, तो उसमें तो एक साथ मिलजुल कर आ जाना चाहिए। निश्चित तौर पर हम बता रहे हैं, हमारी पार्टी इसमें पीछे नहीं है, ऐसा नहीं है कि हमारी पार्टी ने, मैं पुनः भी आपको बता रहा हूँ कि हमारी पार्टी ने सहयोग किया, हर कार्यकर्ता ने सहयोग किया है, और हर हमारे लीडर जो जिनको न्योता दिया गया है निश्चित तौर पर अपनी समय की उपलब्धता को देख के जाएंगे वहां पर, इसमें कोई ऐसी दो राय नहीं है। ठीक है संजय, कोई एकतरफा कार्यक्रम नहीं। छत्तीसगढ़ पे आए इस पूरे मुद्दे के बाद, छत्तीसगढ़ में तो हमने देखा है कांग्रेस सक्रिय रही है, राम वन पद गमन की बात हो, कौशल्या माता मंदिर के मंदिर निर्माण की बात हो, या भव्य जो उन्होंने रामलीला का आयोजन करवाया था, तो आप तो ऐसा नहीं कह सकते, लगातार जो है इस प्रकार के सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों में कांग्रेस जो है सतर्क नजर आई। राम वन गमन पथ जो बनना था केंद्रीय योजना से बनना था, केंद्रीय योजना से बन भी रहा है, नो डाउट कौशल्या माता जी का भी ऐसा बात कर रहे हैं, केंद्रीय योजना से बनना है, पूरी सतनाम जी, अभी सतनाम जी, आपने वादा किया था, आपने वादा पूरा नहीं किया और उसी वादे को कांग्रेस ने पूरा किया था। नेशनल मीडिया में आप झूठ बोल रहे हैं, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आप पूरी बात सुनेंगे तो आपको सच समझ में आएगा। अरे सनातन को डेंगू और मलेरिया कहने वाले लोग, जिनके पिता भगवान राम को दुष्ट बोल रहे हैं भूपेश बघेल, की आपने मंदिर में बहुत सहयोग कर दिया, ये तो जनता देख रही है कितना सहयोग। अरे देखिए, आप इस टाइप की बातें मत करिए, किसी का विचार अपना स्थानीय होता है, कोई पार्टी का विचार नहीं हो जाता। चुप रहेंगे तो अपने स्थानीय विचार अगर कोई व्यक्ति दे रहा है तो पार्टी का विचार नहीं हो जाता। अरे
जब आपको कुतर्क ही करना है तो कुतर्क कर लीजिए, लेकिन अगर आप सुनेंगे, मैं आपकी बात को अच्छे से सुना ना। ठीक है संजय जी, जवाब दीजिए। राम गमन पथ पर निश्चित रूप से बन रहा है, लेकिन राम गमन पथ जब बन रहा था, बस्तर में मैं रहता हूँ, बस्तर में इनके द्वारा जगह जगह पे राम गमन पथ का जगह जगह विरोध करवाया गया। इनके पीछे कवासी लखमा खड़ा, जो लोग कवासी लखमा खुल के कहते हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं है यहाँ पे, कभी भगवान राम का निर्माण तो हुआ ना, आप ही कह रहे विरोध हुआ, ये हुआ, वादा आपने किया था, आपका अधूरा वादा उन्होंने पूरा किया। आप राम का विरोध, हर बात विरोध करने की नहीं होती संजय जी, विरोध किया गया था, हलफनामा दे रहे हैं, और दूसरी तरफ राम गमन पथ के नाम से, अरे कैबिनेट में जब वो बैठते हैं, कैबिनेट में जब वो पास हुआ है, उसके बावजूद आप तो बोल रहे हैं कि राम मत बन। ठीक है, आप दोनों बने रहिए। अवधेश जी, आपने पूरी चर्चा को सुना, क्या कहेंगे आप, क्या कंक्लूजन निकालेंगे आप? वोट के ऊपर जनेऊ भी पहनना पड़ेगा। ठीक है संजय जी, अवधेश जी खोल रहा राष्ट्रीय ब्राह्मण जो, अवधेश जी क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? चंकुरी में 15 बार सतनाम जी, संजय जी सुन लीजिए, मैं चाहूंगी आप म्यूट, आप अगर नहीं चुप होंगे तो म्यूट करवाना पड़ेगा। देखिए हमारे पास समय कम है। अवधेश जी पूरी चर्चा को सुना, अलग ही राजनीतिक मोड़ ले लिया है, राम मंदिर श्रद्धा भक्ति से के विषय से हटकर अब राजनीतिक मोड़ लेता जा रहा है। आप इतना झूठ बोल रहे, सतनाम जी समय हमारे पास कम है, अवधेश जी, अवधेश जी को अपनी बात करने दीजिए। समझ में आ जाता, झूठ समझ में आ जाता, आप इन्हें म्यूट कर दीजिए। कौन कवासी लखमा जी कैबिनेट में थे उसके बाद? सतनाम जी आपको 70 साल, अभी बकबक बकबक करने से कुछ नहीं होने वाला है, 5 साल में जनता ने आपको फिर कहां से कहां पहुंचाया। सतनाम जी, संजय जी मैं फिर से आपसे अनुरोध करती हूँ, देखिए इस प्रकार से चर्चा होगी तो आपको मजबूरन म्यूट करना पड़ेगा। अस्मिता जी मैं तो जब मेरे से आप पूछेंगी मैं बोलूंगा। ठीक है ठीक है, बीच में ये बहस चलती रहेगी, समय हमारे पास कम है। अवधेश जी क्या क्या कंक्लूजन निकालेंगे आप? देखिए कुल मिलाकर ऐसा होता है कि भारतीय जो पॉलिटिक्स है उसमें ये है कि जब कोर्ट डिसीजंस देती, अब अगर वास्तव में अगर श्रेय लेने की बात है बीजेपी जिस हिसाब से कह रही है, तो बीजेपी को कोर्ट का डिसीजन का इंतजार नहीं करना था, या कांग्रेस को कोर्ट का डिसीजन का इंतजार नहीं करना था, तब तो आप क्रेडिट ले सकते, कोई बात नहीं, जब कोर्ट ने डिसीजन दिया है। हाँ, लेकिन ये कि आम परिपाटी है पॉलिटिक्स में देखने को मिलता है कि धारा 370 जब हटाया उसके बाद जो है सो उसमें जो है जब पॉलिटिकल एजेंडा था तो वहां पर लिया, फिर कोर्ट के ऊपर से भी जो उसको ऑथराइज कर दिया कि हाँ ठीक आपने किया है, तो उसका क्रेडिट बीजेपी ने लिया। उसके बाद जो है सो 3 तलाक का मुद्दा था, वो भी जो एक टाइप से कहें कि कोर्ट का उस पर काफी एक कड़ा रुख रहा, उसके बाद फाइनली गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया तो उसका भी क्रेडिट लिया। तो इस प्रकार के बहुत सारे मतलब जो है सो इश्यूज ऐसे हैं कि जो गवर्नमेंट में रहता है उसको क्रेडिट जाता है तो डेफिनेटली उसके अगेंस्ट भी जाता है। अब यहाँ पर जो भूपेश बघेल की सरकार थी, राम गमन पथ बना रहे थे तो क्रेडिट तो ले रहे थे ना, ऐसा तो नहीं है। तो लेकिन इसमें बजाय इस पे चर्चा होने की, चर्चा इस बात की होनी चाहिए कि वो पिलग्रिम्स मतलब जो यात्री वहां पर जाते हैं, धर्म यात्री जाते हैं, उनका जो आस्था है या उनकी सिक्योरिटी है या उनकी सहूलियतें पैदा, उस पर जो पार्टियों का क्या रुख होना चाहिए, उस पर पार्टियां क्या कर रही हैं, या वहां पर कोई बच्चा जाता है वो गुम हो गया तो क्या पार्टी अपनी वॉलंटियर्स देगी, आगे सरकार वहां पर वो उपलब्ध नहीं करा पाती है, तो इस टाइप की चीजें पे बहस। और कहीं ना कहीं अवधेश जी हमें कह सकते हैं कि इस प्रकार की बहसबाजी में जो मूल मुद्दे हैं अक्सर वो छूट जाते हैं। अभी भी मंदिर निर्माण हो रहा है तो विपक्ष को इसका स्वागत करना चाहिए, और आने वाले समय में जिस प्रकार से आप बात कर रहे हैं कि क्या फैसिलिटीज होनी चाहिए और क्या क्या कमियां वहां पर जो रहेगी उसे पूरी करनी चाहिए, इस बात पर चर्चा करना चाहिए बजाय इसके कि इसका श्रेय किसको जा रहा है। चलिए हमारे पास समय कम है, इसी के लिए इस चर्चा को यही समाप्त करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए राम मंदिर का निर्माण अपने आप में ही काफी ज्यादा ऐतिहासिक है, आज से नहीं बल्कि आजादी के पहले से ही लड़ाई लड़ी जा रही है, ना जाने कितने लोगों ने राम मंदिर के निर्माण को लेकर बलिदान दिया। और ये जो आज हमारे साथ मंदिर हम देख रहे हैं, मंदिर जो बनकर तैयार हो गया है 22 तारीख को जिसकी प्राण प्रतिष्ठा होनी है, ये यूं ही हमें नहीं मिला, कई सारे लोगों का बलिदान है। और ऐसे में जब इस पूरे श्रद्धा भक्ति और संस्कृति के मुद्दे को जब राजनीतिक रूप ये ले लेता है तो काफी ज्यादा जो स्थितियां
प्रक्रिया खराब हो जाती है। हालांकि आने वाले समय में देखना होगा कि 22 तारीख को क्या कुछ तस्वीरें हमें देखने को मिलती है। क्या विपक्ष इस मंदिर का स्वागत करता है, क्या विपक्ष के नेता जो है इस मंदिर में जो कार्यक्रम होने वाला है 22 तारीख को भव्य आयोजन, उसमें शामिल होता है, नहीं, देखने वाली बात होगी। फिलहाल छत्तीसगढ़ की बात में इतना ही, दीजिए हमें इजाजत, देखते रहिए नादी टीवी। नमस्कार।